देवधर ट्रॉफी में ग्रुप मैचेस खत्म होने के बाद आज फाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबले में इंडिया बी और इंडिया सी टीम आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इंडिया बी ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया बी के कई विकेट गिर गए, जिससे उनका स्कोर थमा रहा और वो 15 ओवर में महज 50 का आंकड़ा ही पार कर पाए हैं। अब ये बात देखने लायक होगी कि क्या इंडिया बी इंडिया सी को कड़ी चुनौती देती है या नहीं। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। ग्रुप स्टेज में इंडिया सी ने इंडिया बी को मात दी थी, तो वहीं आज इंडिया बी चाहेगी कि वो अंतिम मुकाबले में इंडिया सी को हराकर इस सीरीज को जीत ले। देवधर ट्रॉफी का आज फाइनल खेला जा रहा है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए इंडिया बी के गैकवार्ड शून्य पर ही आउट हो गए, तो वहीं पार्थिव पटेल 14 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि टीम अभी भी संकटों से गुजर रही है। टीम सी की बात करें तो इसमें शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल पर ज्यादातर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जैसा ही उन्होंने इंडिया ए को हराया था वैसा ही परफॉर्मेंस इस मैच में भी इंडिया सी टीम उनसे चाहेगी। अब ये देखने लायक होगा कि देवधर ट्रॉफी इस साल किस टीम के नाम होती है। देवधर ट्रॉफी की बाकी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा खास सेगमेंट क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स, केवल लाइव उत्तराखंड पर।